हेलो एंड वेलकम टू एस पी एम आई एस एकेडमी डेली आंसर राइटिंग सेशन इस सेशन में मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं उससे रिलेटेड एम सी क्यूज़ आपके साथ शेयर करता हूं एंड यू कैन सबमिट योर आंसर ऑन अवर टेलीग्राम ग्रुप आज का क्वेश्चन जो है हमारा दैट इज़ फ्रॉम द पेपर फाइव एथिक्स एंड इंटीग्रिटी क्वेश्चन बोल रहा है कि एथिकल इशूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो भी होते हैं आपको उन्हें एक्सप्लेन करना है जब भी किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने को बोला जाता है तो आपको उस चीज़ को डिटेल में बताना होता है और इस तरह से बताना होता है कि आप उसको एक ले मैन को एक्सप्लेन कर रहे हो, मतलब एक कॉमन पर्सन को भी एक्सप्लेन कर पाएं ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन जो है दैट इज़ फ्रॉम द पेपर फाइव एथिक्स एंड इंटीग्रिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टॉपिक है दैट इज टॉपिक रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी येट इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू अवॉइड राइटिंग टू मच अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यू हैव टू फोकस मोर ऑन द एथिक्स पार्ट ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस क्वेश्चन में आप आंसर कर सकते हैं इन द इंट्रोडक्शन पार्ट वॉट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके बाद आप बेनिफिट्स बता सकते हैं ए के क्या है देन आपको जो डिटेल में डिस्क्राइब करना है दैट इज़ द एथिकल इश्यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके बाद आप वे फॉरवर्ड दे सकते हैं जिसमें आप बता सकते हैं कैसे एथिकल इश्यूज जो हैं उनको एड्रेस करा जाना है एंड इन द एंड यू कैन गिव अ सूटेबल कंक्लूजन देखिए इस वाले टॉपिक जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टॉपिक है उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे और इन दैट केस आई विल गिव यू वेर एवर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू यूज आई एम गिव गोइंग टू गिव यू द रेफरेंस टू द न्यूज़ पेपर फॉर दैट एग्जाम्पल चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे आप बता सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है एक तो उसकी टेक्निकल डेफिनेशन होती है जिसमें आप बता सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये ये टेक्नोलॉजी होती हैं ऐसे होता है एंड ऑल दोस टेक्निकल पार्ट हाउ एवर आई हैव लिमिटेड माई सेल्फ टू अ वेरी सिंपल डेफिनेशन बिकॉज दिस पेपर इज़ फ्रॉम, दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम द एथिक्स पेपर सो so, आप लिख सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जो कि कंप्यूटर्स में जो ह्यूमन की थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ होती है वो प्रोवाइड करा सकती हैं और ऐसे काम भी कर पाएंगे कंप्यूटर्स जो कि आज के टाइम के जो कंप्यूटर हैं वो नहीं कर पाते हैं और केवल ह्यूमन्स ही कर पाते हैं इसके बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं आप हेल्थ केयर के एप्लीकेशन के बारे में बता सकते हैं कि जो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी है दैट कैन बी यूज्ड टू डायग्नोस और डिजीज़ इसके लिए आप ट्वेंटी सेकेंड न्यूज दिसंबर का न्यूज़पेपर रेफ़र कर सकते हैं जिसमें बताया गया था कि कैंसर को जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं यूजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी सिमिलरली यू कैन राइट अबाउट द एप्लीकेशन इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर दैट इज थ्रू द सेल्फ ड्राइविंग कार्स दैट वॉज डिसकस्ड इन द सेवेंथ नवंबर टू थाउजेंड नाइनटीन न्यूज़ पेपर एनर्जी एंड स्मार्ट सिटीज़ में भी एप्लीकेशन हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फिर आप बता सकते हैं कि हमारा जो जस्टिस डिलीवरी प्रोसेस होता है जुडिशल प्रोसेस होता है उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन हो सकता है इसमें आप रेफरेंस दे सकते हैं हमारे करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे साहब का और आप बता सकते हैं उन्होंने ही बोला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करा जाना चाहिए फॉर द स्पीडी जस्टिस डिलीवरी then you can mention about the use of artificial intelligence in the agriculture and that was discussed in the 14th july 2020 newspaper similarly in the education sector there is lot of applications of the artificial intelligence this applications of the artificial intelligence is not asked in the question तो आप इसको बहुत डिटेल में जाकर के मत डिस्क्राइब करते रहिएगा मे बी यू कैन जस्ट स्पेंड हाफ अ पेज ऑन दिस पार्ट एंड क्विकली मूव ऑन टू द मेन थिंग विच इज आस्ट इन द क्वेश्चन एंड दैट इज द एथिकल इश्यूज अराउंड द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलिए अब हम लोग कर लेते हैं एथिकल इश्यूज को बिफोर दैट मैंने यहाँ पर नीति आयोग ने जो नेशनल स्ट्रेटजी ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दी है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूजर्स को डिस्क्राइब करा है उसका भी एक डायग्राम यहाँ पर शेयर कर दिया है इफ़ यू वॉन्ट यू कैन रेफर टू दिस यूज ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गिवन बाय नीति आयोग एंड यू मे इग्नोर द प्रीवियस एप्लीकेशंस इट इज़ अपॉन यू एथिकल इश्यूज जो होते हैं एआई के उनको सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हार्ड कोर हम लोग एथिक्स एथिक्स में जो पढ़ते हैं मोरालिटी एंड एथिक्स उसी के बेसिस पर देखिए आपने अपने एथिक्स में पढ़ा होगा कि मोरालिटी एंड एथिक्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर मोरालिटी वो होती है कि जो किसी एक पर्सन की खुद की अंडरस्टैंडिंग होती है क्या सही है और क्या गलत है ये जो अंडरस्टैंडिंग होती है सही और गलत की ये जनरली उसके रिलीजन कल्चर फैमिली बैकग्राउंड उस किस तरह की उसकी अपब्रिंगिंग है उसके बेसिस पर बनती है जैसे कि बहुत से लोग हो सकते हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग हो कि नॉनवेज खाना गलत है और बहुत से लोग हो सकते हैं कि इसमें कोई गलत नहीं है तो ये उनकी मोरालिटी है ये उनकी पर्सनल अपब्रिंगिंग की वजह से फैमिली रिलीजन की वजह से उनकी चॉइस ये बनी है सो दैट इज़ देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट एंड रॉन्ग हाउ एवर एथिक्स जो होता है वो सोसाइटी के लिए होता है और वो सोसाइटी डिसाइड करती है कि क्या सही है और क्या गलत है अब अगर आप किसी टिपिकल हिंदू नॉर्थ इंडियन फ़ैमिली में चले जाएंगे, जो कि बहुत ही कंजर्वेटिव फ़ैमिली है और वैसी ही फैमिली का कोई विलेज है जहाँ पर सारी वैसी ही कंजर्वेटिव फ़ैमिलीज़ होती हैं इन दैट केस वो सबके सब के, सब के हिसाब से एथिकल यही होगा कि नॉन वेज नहीं खाया जाए सो यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड मोरालिटी। हाउ एवर दिस टाइप ऑफ अ मोरालिटी इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट इन द केस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप उनको एथिक्स तो बता सकते हैं लेकिन आप उनको मोरालिटी नहीं बता सकते क्योंकि मशीन्स की कोई अपब्रिंगिंग नहीं होती रिलीजन नहीं होता कल्चर नहीं होता तो उनको बता पाना कि क्या सही और गलत है ये नहीं पॉसिबल हो पाता है एंड दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट विच हैव रिटन दैट द फर्स्ट एथिकल इशू विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रोड्यूस मोरालिटी इन द मशीन और उससे प्रॉब्लम यह होगी कि जब कोई मॉरल नहीं होता है तो कई बार वो रॉन्ग डिसीजन ले ही लेता है किसी भी टाइम पर दूसरी बात एक एथिकल इशू आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी सो मशीन विल बी एबल टू परफॉर्म लाइक ह्यूमंस। इन दैट केस देर इज गोइंग टू बी राइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्योंकि ह्यूमंस को रोबोट से रिप्लेस कर दिया जाएगा इसके अलावा थर्ड आप एथिकल इशू लिखेंगे कि ए जो टेक्नोलॉजी है दैट इज़ गोइंग टू रिक्वायर लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको पता ही होगा कि बड़े बड़े कंप्यूटर लेने पड़ेंगे बड़े बड़े सर्वर ऐसे कंप्यूटर्स जो कि बहुत सारी कैलकुलेशन बहुत कम टाइम पर कर पाएँ और ऐसे टाइप की चीज़ें जो हैं वो किसी भी नॉर्मल इंजीनियर या छोटी कंपनी के लिए एक्सेसिबल नहीं होगी जो बड़े बड़े बिजनेस हैं बड़ी बड़ी कंपनी हैं उनके पास ही इस तरह का इन्वेस्टमेंट होगा कि वो इस टेक्नोलॉजी में रेडिली इन्वेस्ट कर पाएँ In that case, this will cause the increase in the inequality in the society and there will be same type of the class difference which was created during the time of the capitalist society. तो आप समझ सकते हैं कि जिस business के पास पैसा है वही कर पाएगा AI में invest, जिसके पास नहीं है वो इस technology को उतना ज़्यादा use नहीं कर पाएगा. This will cause the increase in the inequality. और एथिकल इश्यूज होते हैं कि हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर होता है हमारे अंदर बहुत सारी कैरेक्ट्रिस्टिक्स होती हैं जैसे कि सिंपैथी काइंडनेस बेनिवलेंस ह्यूमिलिटी ग्रैटिट्यूड ये सब चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बने हुए जो बॉट्स होते हैं रोबोट्स होते हैं उनके अंदर ये सब नहीं आ सकती है ए जो होती है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को वाप क्रिएट करने की कोशिश करती है बट इमोशंस नहीं क्रिएट कर सकती और ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हमको इमोशंस देते हैं एक और आप एथिकल इश्यूज लिख सकते हैं कि ए का मिसयूज भी हो सकता है जैसे टेररिस्ट के यू मिस कर सकते हैं ड्यूरिंग द वॉर्स मिस हो सकता है सो इसकी वजह से हम लोगों को हार्म ज़्यादा होगा बेनिफिट कम होगा आप इसमें एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बने हुए चैट बॉड्स होते हैं वो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लाइक आई एस दे कैन यूज़ दोज़ चैट बॉड्स और उसके थ्रू बहुत सारे जो यूथ होते हैं इनको इंडाक्ट्रिनेट कर सकते हैं आपने सुना ही होगा कि आई एस इस्लामिक स्टेट ने फेसबुक के थ्रू और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बहुत सारे यूथ जो था मुस्लिम्स थे यंग मुस्लिम्स उनको इंडोक्ट्रिनेट करा था इनटू द एक्सट्रीमिज्म उनको बहुत सारी ऐसी बातें बताई थी जिससे वो जिहाद में इन्वॉल्व हो जाए और अपना करियर और सब छोड़ करके लग जाए फॉर द जिहाद एंड अदर टेररिस्ट पर्पसेस तो ये चीज़ गलत थी अब आप ही सोचिए कि वहाँ पर तो कोई एक ह्यूमन कर रहा था ऐसे में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके चैटबॉट्स बना दिए गए जो कि ये काम कर पाएँ तो ये काम कितना ईजिली मास स्केल पर हो पाएगा और इससे कितना डैमेज हो सकता है सिमिलरली आप लिख सकते हैं कि जो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी है ये अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है और इसीलिए अभी भी बहुत सारी गलती होती रहती है इससे और ऐसे में किसी इस डेवलपिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पाना को बहुत ज़्यादा हमें हार्म भी कर सकता है आप एग्जांपल दे सकते हैं जिसको आपने पढ़ा था सेवन्थ नवंबर 2019 के न्यूज़पेपर में कि एआई से बनी हुई सेल्फ ड्राइविंग कार थी ऊबर की एंड इट वॉज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज़ द जे वॉकर्स ऑन द स्ट्रीट एज अ रिजल्ट एक्सीडेंट हो गया था तो आप समझ सकते हैं कि एक टेक्नोलॉजी जो अभी खुद ही पूरी तरीके से बन नहीं पाई है जो अभी खुद ही अंडर डेवलप्ड है उसको ही यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होंगी ही होंगी इसके अलावा आप और लिख सकते हैं कि ए जो टेक्नोलॉजी होती है ये खुद भी बहुत सारे रेसिस्ट हो सकती है या डिस्क्रिमिनेटरी हो सकती है इसका मैं आपको एग्जाम्पल दे करके बताता हूँ माइक्रोसॉफ्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके ट्विटर पर एक अकाउंट बनाया और उसको उसका काम था ट्विटर पर ट्वीट करना विद इन जस्ट ट्वेंटी फोर आवर्स ऑफ इट्स लॉन्च दैट चैटबॉट क्रिएटेड यूजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टेड ट्वीटिंग रेसिस्ट एंड हेटफुल ट्वीट्स तो आप समझ सकते हैं कि एक चैटबॉट को जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना उसको बस ट्वेंटी फोर आर लगे ट्वेंटी फोर आवर्स में ही वो रेसिस्ट ट्वीट्स करने लग गया तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा रेसिज्म है हमारे अपनी सोसाइटी के बीच में कि एक नया नया लॉन्च रोबोट्स ही तुरंत रेसिस ट्वीट करने लगा डिस्क्रिमिनेटरी ट्वीट करने लगा तो आप इमेजिन करेंगे कि अगर इस टाइप की चीज़ बाकी सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस के साथ हो गई जहाँ पर ह्यूमंस की जो खराब आदतें हैं वो उन्होंने जल्दी सीख ली तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है इसी बात को मैंने यहाँ पर लिखा है कि ए जो होता है वो खुद ह्यूमंस के बिहेवियर से ही लर्न करता है और अगर उन्होंने गलत चीज़ें सीख ली तो उससे उस टेक्नोलॉजी का कोई फ़ायदा नहीं है अब आ जाते हैं कि इस टाइप की चीज़ों का वे फॉरवर्ड आपको कैसे लिखना है तो देखिए मैंने वे फॉरवर्ड में बताया है कि गवर्नमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो बहुत इनक्रेज कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जिसका मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है नीति आयोग क्या कर रहा है एरावत प्रोग्राम क्या है लेकिन गवर्नमेंट को एथिकल चीज़ों पर भी फोकस करना चाहिए आपको बताना होगा यहाँ पर कि जो आर्टिफिशियल uh, इंटेलिजेंस के रिसर्चर्स होते हैं या उससे रिलेटेड जो कंपनीज़ होती हैं उनको एथिकल बिहेवियर में जो एक्सपर्ट होते हैं एथिसिस्ट्स होते हैं उनको अपने रिसर्च पैनल में ज़रूर रखना चाहिए जिससे वो तुरंत पॉइंट कर दें अगर किसी टेक्नोलॉजी या एप्लीकेशन का अनएथिकल यूज़ हो रहा है तो दे आर एबल टू ईजली पॉइंट आउट दैट दिस इज़ द अनएथिकल यूज़ ऑफ़ दैट टेक्नोलॉजी मोर ओवर बहुत अवेयरनेस ज़रूरत है आम जनता के बीच में एकेडमिशियंस के बीच में जिससे एआई टेक्नोलॉजी के मिसयूज़ को आई आई तुरंत पहचाना जा सके आप इसमें एग्जांपल दे सकते हैं मोनालिसा के बारे में देखिए एक एआई टेक्नोलॉजी का बहुत ही मिसयूज़ होता है जिसको बोला जाता है डीप फेक डीप फेक का मतलब होता है कि किसी और ह्यूमन जिसने कुछ बोला नहीं है उसकी फ़ोटो या उसका वीडियो यूज़ करके इस ट तर, इस तरह से उसको चेंज कर देना कि वो लगे कि वो कुछ और बात बोल रहा है जबकि वो एक्चुअली उसने बोली ही नहीं इसका एग्जाम्पल देते हैं मोनालिसा पेंटिंग आपने ये पेंटिंग पहले ही देखी होगी दिस इज अ वेरी ओल्ड पेंटिंग क्रिएटेड बाय लेनार्डो डिविंची और आज की तारीख में इस पेंटिंग का ही जो इसमें मोनालिसा है उसका डीप फेक बना दिया गया है और आप ये देख सकते हैं कि ऊपर के तीन वीडियोस में कि किस तरह से द सेम गर्ल मोनालिसा हु वाज नेवर एग्जिस्टिंग वो एक पेंटिंग में है उसका ही डीप फेक क्रिएट कर दिया गया है और बिल्कुल रियल लगता है कि मोनालिसा इज़ टेलिंग समथिंग तो इस टाइप के बहुत सारे डीप फेक इंटरनेट पर है जिसमें बहुत सारी फेमस पर्सनालिटीज लाइक बराक ओबामा एंड व्लादिमीर पुतिन इन सब के बारे में बहुत सारे ऐसे गलत फ़ेक वीडियोस सर्कुलेट हुए हैं जिसमें वो 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 चीज़ें बोल रहे हैं जिन्होंने कभी बोली ही नहीं एंड दैट हैज़ बीन क्रिएटेड यूजिंग द डीप फेक टेक्नोलॉजी पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो इस टाइप की जब भी कोई चीज आए तो लोगों को पॉइंट करना चाहिए समझना चाहिए कि ये गलत है ऐसे में ये टेक्नोलॉजी जो होगी इसका मिसयूज डिस्करेज होगा आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि कोई भी टेक्नोलॉजी जो होती है उसके मिसयूज भी होते हैं और उसके पॉजिटिव्स भी होते हैं तो हमको इंश्योर करना चाहिए कि इस टाइप की जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका हम पॉजिटिव यूज़ ही करें ना बिफोर आई एंड दिस आंसर आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल कि एथिक्स के क्वेश्चन में यू नीड टू गिव लॉट ऑफ एग्ज़ाम्पल्स बिना एग्जाम्पल अपनी बात करते हैं तो एथिक्स का टॉपिक बोरिंग हो जाता है और बहुत ही रिपीटेशन लगता है एग्जामिनर को पढ़ने में भी सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इस पूरे आंसर में एग्जाम्पल्स दे दे करके अपनी बात को प्रूव करें अपनी बात को रखें As many examples as you are able to recall in this answer. Now, let us look at the answers from the previous topic. These are the answers from the previous topic. In today's topic, there are no prelims MCQ type of question because the question is from the ethics paper. This is all from my side. Thank you.